Hello and welcome to grad school. This is Kiran and I'm here with the second part of your chapter, The Lost Spring, which is written by Annie's Jung. इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने मेरा वो पार्ट नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन पे जो आई बॉल है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. अभी तक हमने देखा कि कैसे जो राइटर है एनीस जंग है वो सीमापुरी के रैग पिकर्स के साथ घुल मिल गई है. नाउ शी नोज़ द नेम ऑफ द रैग पिकर्स. अब जो वो एक चीज़ नोटिस करती है उन रैग पिकर्स के बारे में वो ये है कि वो जो रैग पिकर्स हैं वो पैरों में कुछ नहीं डालते, वो नंगे पैर रहते हैं. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वो बच्चे ये देते हैं कि उनका ये ट्रेडिशन है, बेयर फुट रहना उनका एक ट्रेडिशन है. और दूसरा रीज़न वो क्या देते हैं? दैट दे डू नॉट लाइक वेयरिंग एनीथिंग ऑन देयर फीट. उनको पसंद नहीं है अपने पैरों में कुछ डालना. आगे क्या होता है स्टोरी में? लेट स्टार्ट. I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो अब एनीस जंग एक स्टोरी नरेट करती है जो उसको एक आदमी ने बताई होती है. वो आदमी कहाँ से बिलोंग करता है? उडीपी से. उडीपी इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका. तो वो आदमी स्टोरी क्या बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था, वो जब स्कूल जाता था तो स्कूल के रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था. उस मंदिर के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, वो उस लड़के के फादर थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वो कुछ टाइम उस टेम्पल के पास रुकता था और क्या प्रार्थना करता था? भगवान से कि उसको शूज़ मिल जाएं. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chair. अब 30 साल बाद जो एनीस जंग है वो उस आदमी के बताए हुए प्लेस पे जाती है, उस टाउन में जाती है, वो उस टेम्पल को भी विज़िट करती है. लेकिन अब उस टेम्पल की कंडीशन क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली डेजोलेटेड. अब वो पूरी तरह से खाली है. उस टेम्पल के बैक साइड पे एक प्रीस्ट का घर है. वो प्रीस्ट जो है वो नया प्रीस्ट है जो टेम्पल को अब संभालता है. और टेम्पल के पास वाइट और रेड प्लास्टिक की जो चेयर्स हैं वो पड़ी हुई हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. तो अब राइटर देखती है कि एक बच्चा है वो जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ही इज़ वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसके कंधों पे स्कूल का बैग है. वो भाग के आता है. पेंटिंग का मतलब होता है भागना. जब भागते हैं तो बच्चों के पैरों की आवाज़ आती है ना, तो उसको पेंटिंग बोलते हैं. तो वो दौड़ते हुए आता है और अपना जो स्कूल का बैग है वो बेड पे फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम. तो जब वो लड़के को देखती है एनीस जंग, तो अब वो दो कंडीशंस को कंपेयर करती है. इस लड़के की कंडीशन को वो उस लड़के से कंपेयर करती है जो भगवान से शूज़ के लिए प्रार्थना करता है. कहती जब उस लड़के को शूज़ मिल जाते हैं तब वो दूसरी प्रेयर क्या करता है कि हे भगवान, मेरे पास जो शूज़ हैं मैं उनको कभी भी ना खो दूँ. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. और देखो कि भगवान ने उसकी वो प्रेयर भी सुन ली और उसने कभी भी वो जो शूज़ हैं वो लॉस्ट नहीं किए, कभी भी घुमाए नहीं वो शूज़. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस. तो जो राइटर है वो बोलती है कि इस प्रीस्ट के बेटे जैसे और भी बहुत लड़के हैं जिनके पास पहनने के लिए शूज़ हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो बच्चे मेरे नेबरहुड में रहते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उनके पास शूज़ नहीं हैं. तो जो नरेटर है, जो एनीस जंग है, यहाँ पे वो फाइनेंशियल कंडीशन को कंपेयर कर रही है. शी इज़ ट्राइंग टू कंपेयर टू वर्ल्ड्स. अमीर लोगों की दुनिया को वो गरीब लोगों की दुनिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रही है. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ डेली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. तो जो एनीस जंग है, अब उसकी जान पहचान हो गई है रैग पिकर्स के साथ.
तो जान पहचान होने की वजह से एक दिन वो सीमापुरी में जाती है। सीमापुरी जो है ये दिल्ली के पेरीफ्री में है। पेरीफ्री होता है कि आउटस्कर्ट्स पे होना, मतलब बॉर्डर पे होना। ये जो प्लेस है कहते हैं ये दिल्ली के जो है एक बॉर्डर पे पड़ता है, है तो ये दिल्ली के पास, लेकिन यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो तरीका है, रहन सहन है, उसको देख के ऐसा लगता है मानो इट इज़ माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, मानो कि ये मीलों दूर हो दिल्ली से। दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। स्क्वैटर्स का मतलब होता है जो लोग गैर कानूनी तरीके से आके बस गए हों किसी जगह पे, उनको बोलते हैं स्क्वैटर्स। तो एनी जंग बोलती है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इलीगली आके बसे हुए हैं। वो कब आए यहाँ पे? 1971 में जब बांग्लादेश में वॉर हुई, तो वो बांग्लादेश को छोड़ के दिल्ली के सीमापुरी एरिया में आके इलीगली बस गए। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब की फैमिली उन्हीं स्क्वैटर्स में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। कहते कि उस टाइम पे जो सीमापुरी एरिया है ये बिल्कुल बंजर था, यहाँ कोई नहीं रहता था। अब भी वो एरिया वैसा ही है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अब जो डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस क्या है कि अब वो जगह खाली नहीं है, वहाँ पे लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। तो कहते कि अब जो लोग हैं सीमापुरी के, उनके घर कैसे हैं? उनके घर मिट्टी से बने हुए हैं, उनकी जो घरों की जो छत है वो टिन से बनी हुई है या फिर टारपुलिन से कवर किया हुआ है। टारपुलिन होते हैं टेंट, जो जिन वाटर प्रूफ टेंट होते हैं। या तो उनके घरों की जो छत है वो टिन से बनी हुई है, या फिर लोगों ने तरपाल बोलते हैं इनको हिंदी में, वो टारपुलिन डाले हुए हैं अपने घरों की छतों पे टू डिवॉइड एनी लीकेज, ताकि जो छत है वो लीक ना करे। लेकिन कहते कि उनके जो घर हैं वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे वाटर आउटलेट की कोई फैसिलिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वहीं पे जो है पानी इकट्ठा होता रहता है, गंदा एरिया है। ऐसे एरिए में तकरीबन 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। कहते कि यहाँ पे रहते हुए, सीमापुरी एरिया में रहते हुए इन रैग पिकर्स को 30 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। इन लोगों के पास ना तो कोई आइडेंटिटी है खुद की, ना इनके पास रहने का कोई परमिट है। इनके पास सिर्फ राशन कार्ड्स हैं जिसकी वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट पे है, दैट मीन्स कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा उनको राशन कार्ड का क्या है कि इनसे उन्हें फूड मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब उन लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा, अपनी पहचान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फूड। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रीन, से अ ग्रुप ऑफ वेमेन इन टेटर्ड साड़ीज वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अब जब एनीस जंग ने कुछ औरतों से पूछा कि वो क्यों अपना घर छोड़ के आए, क्यों अपने इतने सुंदर जो है लैंड्स छोड़ के आई, तो वो जो वेमेन है, वेमेन का ग्रुप जो है जिन्होंने टैटर्ड साड़ीज, मतलब फटी पुरानी साड़ी जिन्होंने पहनी हुई थी, तो वो वेमेन के ग्रुप ने क्या आंसर दिया? वो कहती कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वो कहती अगर हम दिन के एंड में अपनी फैमिली को खाना दे पाएँ और हम खाली पेट ना सोएं, मतलब कि अगर जिस जगह पे हमें दो वक्त की रोटी मिले हम उस जगह पे रहना पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन आर होम टाउन्स वेयर वी कुड नॉट गेट ग्रेन।
तो वो लेडीज़ ये बोलती हैं कि हमें वो जगह, हम उस जगह पे रहना प्रेफर करते हैं जिस जगह में हमें, जिस जगह से हमें दो वक्त की रोटी मिलती है। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारा होम टाउन है या हम वहाँ पे इलीगली आके बसे हुए हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजेंट होम्स। इसका मतलब ये है कि उनके घर फिक्स नहीं है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग तंबुओं में रहते हैं, वो एक परमानेंट प्लेस पे नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो वो कहते हैं कि वो ये जो रैग पिकर्स हैं, जहाँ पे भी इनको फूड मिलता है, ये अपने वो जो टेंट हैं वो उठाते हैं और उस जगह पे जाके लगा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। कहते कि बच्चे जो हैं ये उन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं और दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आगे ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है? कूड़ा उठाने वाले बनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कहते कि अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ये जो गार्बेज में गार्बेज को टटोलना है, ये भी एक कला बन गई है कि कौन कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा गार्बेज टटोलता है, कितना ज़्यादा सामान उसमें से ढूंढता है। तो कहते कि ये भी एक कला बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। अब जो है रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। इट समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। तो कहते हैं कि जो ये एरिया है, जो ये गार्बेज है जिसको रेफर किया गया है गोल्ड से, ये कैसा है? ये जरिया है इन लोगों के लिए रोटी का, इसी से उनका घर चलता है। यहाँ पे यहीं इस एरिया में ही वो रहते हैं, इनको छत मिली हुई है रहने के लिए। बेशक वो छत जो है वो लीक करती है, बट उनका गुजारा तो हो रहा है ना। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ये गुजारा करने से थोड़ा ज़्यादा है, ये जो जगह है ये गुजारा करने के लिए नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। साहिब अब बोलता है कि कई बार तो उसको इस गार्बेज में से 1 रुपये का सिक्का मिलता है और कई बार तो 10 रुपये का नोट तक भी मिल जाता है। और जब साहिब ये बता रहा होता है, तब उसकी आँखों में खुशी होती है। When you can find a coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. Scrounging का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सर्च करना। तो वो जो साहिब है वो बोलता है कि जब हमें सिल्वर कॉइन मिलता है ना ये गारबेज के हीप से, ये गारबेज के जो बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उनको, हीप्स लगे हुए हैं, जब हमें इनसे सिल्वर कॉइन मिलता है तो हम सर्च करना छोड़ते नहीं हैं, हम और ज़्यादा ढूंढते हैं इस होप में कि हमें कुछ और मिलेगा इससे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए इसका मतलब अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर देयर पेरेंट्स। तो चिल्ड्रन के लिए ये जो गार्बेज है ये कैसा है? ये एक वंडर की तरह है। वंडर मतलब उनको नहीं पता कि उनको क्या चीज़ मिल जाए गार्बेज में से, ठीक है। तो एक एक हिस्सा, एक टाइप का ये एडवेंचर है उनके लिए, लेकिन एल्डर्स के लिए ये जीने का एक ज़रिया है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो कहते कि सर्दियों की एक मॉर्निंग जो एनीज जंग है, वो साहिब को देखती है कि वो उनके जो पड़ोस में क्लब है, क्लब मतलब जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस क्लब के गेट के पास साहिब को खड़ा हुआ देखती है एनीज जंग जो है, watching two young men ड्रेस्ड इन वाइट एंड प्लेइंग टेनिस। और साहिब क्या देख रहा था? साहिब कुछ लोगों को वहाँ पे टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। तो जो
साहेब है वो ये बोलता है कि उसको ये गेम बड़ी अच्छी लगती है. ही हम्स मीन्स लो वॉइस में बोलता है कि आई लाइक द गेम. कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो कहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो लोगों को ये गेम खेलते हुए देखता है. जब वो गेट के पास खड़ा होकर देखता है लोगों को टेनिस खेलते हुए तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है कि कई बार तो मैं अंदर चला जाता हूँ क्लब के जब यहाँ पर कोई नहीं होता. और गेटकीपर कई बार तो उस पर दया करके उसको वहाँ पर जो झूले हैं स्विंग हैं वो भी लेने देता है. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शूज़, कहते साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो उसके कपड़ों के साथ थोड़े स्ट्रेंज लग रहे हैं. डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स मीन्स कि जो उसके बेरंग फेड हुई हुई शर्ट है, जो शॉर्ट्स उसने पहनी हुई है उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं खा रहे उसके शूज़. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो जो साहिब वो एक्सप्लेन करता है कि ये शूज़ भी मुझे किसी ने दिए हैं. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम. तो साहिब क्या एक्सप्लेन करता है कि ये जो शूज़ हैं ना ये किसी रिच बॉय के हैं, किसी अमीर लड़के के हैं जिसने इनको फेंक दिया है. क्यों फेंक दिया है? क्योंकि एक शूज़ में होल है. लेकिन वो होल साहिब को बॉदर नहीं करता, साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस शूज़ में होल है या नहीं है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream comes true. But the game he is watching so intently is out of his reach. तो कहते कि एक उस बच्चे के लिए जिसने कभी शूज़ नहीं पहने, जो कि barefoot रहता है, नंगे पैर रहता है, अगर उसको शूज़ मिल भी जाएँ जिनमें होल है तो ये मानो ऐसा है कि जैसे कोई सपना सच हो गया हो. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो वो गेम इतने गौर से देख रहा है वो गेम उसकी पहुँच से बहुत परे है. दैट मीन्स कि वो इतना जो है फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन लोगों का हिस्सा बन सके, उनके साथ उस क्लब में खेल सके. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा. Do like, share and subscribe to Grad School. Thank you for watching.